फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने देखा, और हमने देखा कि सिंपल एक्सपेरिमेंट से अगर हम देखें तो किन किन तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमने देखा कि अगर एक कॉयल है, सपोज उसको हम रिलेटिव मोशन दे रहे हैं एक मैग्नेट के साथ, या मैग्नेट को मोशन दे रहे हैं, या फिर हम किसी दूसरे सोर्स से जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी स्ट्रेंथ चेंज कर रहे हैं। सो तीनों केसेस में हमने देखा कि गैल्वानोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता है, जो कि ये ऑब्जर्वेशन इसकी ये है कि वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है या करंट इंड्यूस होता है, वो हमने देखा। अब इसी चीज को हम मैथमेटिकल फॉर्म में ले आते हैं, जो सारे सिंपल एक्सपेरिमेंट्स है, और इसको हम क्या कहते हैं, फेराडेज लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब अगर आप ईएमएफ देखें, जिस तरह के फर्स्ट हमने डिफाइन किया सिंपल वर्ड्स में, कि आपके पास एक बहुत ही सिंपल सर्किट है, उसको कंसिडर कर लें। सपोज ये एक सिंपल सर्किट, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से हाई पोटेंशियल से हम, सपोज यहाँ पर आप एक कोई रजिस्टर कोई लोड भी ले सकते हैं, ये सर्किट हम कंप्लीट करते हैं जब आप इसको इन दो अपोजिट टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। इस तरह ये एक आ जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर, ये नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पर। सो एक्चुअली हम ये देख रहे थे कि अगर कन्वेंशनल डायरेक्शन हम देखते हैं, सो इलेक्ट्रिक करंट की ये डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, कन्वेंशनल डायरेक्शन जो इसकी है, यानी पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं यूं पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव की तरफ, यूं यहाँ पर आते हैं पोटेंशियल उसका ड्रॉप होता है, यहाँ पर ये इसकी मूवमेंट होगी यहाँ पर। तो अब देखिए जब चार्जेस मूव करते हैं यहाँ पर, सो हमें तो एक स्टेडी करंट चाहिए होता है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट की जो अमाउंट है वो मेंटेन रहे, यानी यहाँ से जितने चार्जेस जा रहे हैं उतने चार्जेस इसको अगेन प्रोवाइड हो सके। सो बैटरी फिर क्या करती है, ये जो चार्जेस हैं यहाँ पर आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल लोअर पोटेंशियल पर, सो वो इन्हीं चार्जेस को यहाँ से उठाकर एनर्जी देकर वर्क डन करती है बैटरी उस पर, और यहाँ पर उसको ले आती है, तो फिर वही चार्जेस हम यूज करते हैं, फिर बैटरी उसको ये ले आती है। सो जब बैटरी इसको नेगेटिव से लेके लोअर पोटेंशियल से पॉजिटिव तक ले आती है, सो जितना वर्क डन करती है बैटरी उस पर, वर्क डन जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है यहाँ पर, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के उसको नेगेटिव से पॉजिटिव तक ले आए, कन्वेंशनल हम अगर यूं डिफाइन करें तो यूं होगा। सो उसको हम फिर क्या कहते हैं, ईएमएफ, यानी एक्चुअली ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट जो इसकी कॉन्सेप्ट है वो है वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कि जब हम इसको नेगेटिव से पॉजिटिव तक ले आते हैं। सो अब इसी चीज को अगर आप देखें, जो हमने एक्सपेरिमेंट्स देखे फेराडेज लॉ को हम फिर डिफाइन करते हैं, स्टेट करते हैं उसको। सो एक कॉइल आप बिल्कुल उसी तरह एग्जाम्पल फिर अगेन जो है यहाँ पर ऑब्जर्व कर लें, ये एक फॉर एग्जाम्पल एक मैग्नेट है, एक परमानेंट मैग्नेट, एक बार मैग्नेट है, ये इसके दो पोल्स जो कि अटैच्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। हमने देखा कि यहाँ से एक्चुअली क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हैं, यानी इसकी जो फील्ड है एक्चुअली उनको हमने देखा कि हम लाइंस से शो करते हैं, जिनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब सिंपली हम फ्यू लाइंस ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, बट एक्चुअली यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइंस होती हैं। सो अब इन लाइंस को देखिए अगर हम, सो ये टर्मिनेट नहीं होती वहां पर बल्कि वापस आती है यूं, और जो हमारे पास जो साउथ पोल है उसमें एंटर हो जाती है यूं, देखिए ये इसकी साउथ पोल, यहाँ पर ये लाइन वापस आ जाती है, इसमें एंटर हो जाती है, बिल्कुल आप यूं कह सकते हैं कि ये जो लाइन्स है ये वापस आती है यूं, इसमें एंटर हो जाती है, इसी तरह ये जो लाइन्स है ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये वापस आती है। तो एक्चुअली ये जो लाइन्स ये क्या करती है, एक लूप बनाती है, लूप फॉर्म में होती है, यानी टर्मिनेट नहीं होती, इन बिटवीन टर्मिनेट नहीं होती, बल्कि नॉर्थ से निकलती है, इनकी डायरेक्शन ये है, और साउथ में फिर जो है वो एंटर हो जाती है। सो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया जो कि लूप फॉर्म में है, दोनों पोल्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब इसी के सामने अगर सपोज हम कोई कॉयल रखें, यहाँ पर कोई कॉयल आप कंसिडर कर ले कॉयल, और उसको मैं यहाँ पर अटैच करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ गैल्वानोमीटर से, ये आ जाएगा गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर जिस तरह के हमने पहले देखा था, इसके प्रिंसिपल भी हमने पढ़ा था, कि एक्चुअली हम करंट की डिटेक्शन के लिए यहाँ पर अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं, यानी कितना करंट करंट यहाँ पर प्रेजेंट है एब्सेंस है उसकी डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं गैल्वानोमीटर। सो अगर यहाँ पर आप देखें दोनों एट रेस्ट है, स्टेशनरी है, सो हम कहते हैं कि यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड पास होगा, इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड पास होगा, और उस फील्ड को हम शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है,
यहाँ से पास हो रही है। अब अगर आप स्टेशनरी रख के इसको, मतलब इससे जो फ्लक्स होगा यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिससे पास हो रही है इस क्लोज लूप से, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स कहते हैं, और ये कांस्टेंट होगा अगर हम दोनों को मोशन ना दे, यानी ना मैग्नेट को मोशन दे दे रिलेटिव मोशन और ना फिर इस कॉयल को। सो ये फ्लक्स जो है कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट होगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वानोमीटर, यानी यहाँ पर कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। लेकिन फिर हमने एक्सपेरिमेंट्स में देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि अगर आप किसी एक को भी मूवमेंट दे दे, यानी इसको टुवर्ड्स लेफ्ट या राइट मूवमेंट दे दे, सपोज टुवर्ड्स लेफ्ट या राइट, या फिर कॉइल को टुवर्ड्स लेफ्ट या राइट मूवमेंट दे दे, तो जब आप इसकी जो मैग्नेटिक इन्वायरमेंट चेंज करते हैं उस वजह से ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और हम डिफ्लेक्शन देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि गैल्वानोमीटर जो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो एक्चुअली फिर इस फिनोमिनन को हमने डिफाइन किया कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं जो कि एज ए रिजल्ट हमें देता है इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। फिर इसी चीज को फेराडे के लॉ के मुताबिक हम मैथमेटिकली शो कर सकते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वो एक्चुअली क्या है, किसके इक्वल है, नेगेटिव नेगेटिव साइन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, डेल्टा चेंज को शो कर रहे हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम पर डेल्टा टी। सो एक्चुअली इस चीज को अगर आप देखें, जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया ऑफ द लूप, यानी जो लूप हम यूज कर रहे हैं दोनों के प्रोडक्ट को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसी चीज को अगर आप यहां पर देखें, इस इक्वेशन में पुट कर लें, तो देखिए हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू ये बन जाती है नेगेटिव ऑफ डेल्टा। अब इसी फ्लक्स की जगह, फाई की जगह आप ये पुट कर लें इसकी वैल्यू बी ए, जो कि फ्लक्स है एक्चुअली अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब देखिए ये तो हमने एक सिंपल लूप के लिए किया, अब अगर सपोज मैनी लूप्स है, सॉरी मैनी टर्न्स है, यानी यहाँ पर एक टर्न हमने कंसिडर किए हुए, एक ही लूप है, अगर इसमें बहुत ज्यादा टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो फिर यहाँ पर उसकी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी उतने टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर, तो इसीलिए जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा ईएमएफ यानी एन उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो उतने टाइम्स उसका जो ईएमएफ है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी एन टर्न्स है तो आप जस्ट उसके साथ एन मल्टीप्लाई कर लें, ये टोटल ईएमएफ हो जाएगा। अब देखिए ये तो हमारे पास ईएमएफ आ गया जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब नेगेटिव साइन एक्चुअली क्या शो करता है, ये फेराडे लॉ के मुताबिक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। अब जो नेगेटिव साइन है एक्चुअली वो एक और लॉ जो हम पढ़ेंगे इसके बाद वो है लेंज़ लॉ, उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, लेंज़ लॉ नेगेटिव साइन जो है इस लॉ को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसका एक्चुअली मतलब ये है नेगेटिव साइन का कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम यूज कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर इस फिगर में देखें, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम यूज कर रहे हैं जो कि फ्लक्स की सोर्स है एक्चुअली, यानी सोर्स ऑफ फ्लक्स जो हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक बार मैग्नेट है एक्चुअली हमारे पास, ये है सोर्स ऑफ फ्लक्स। तो देखें जब ये अब मूव करते हैं, सो हमने देखा कि हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, सो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और हमने पहले देखा है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, फिर वो इंटर्न अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ चार्जेस है उस कॉइल में, सो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सो इसको हम फिर मजीद लेंज लॉ में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जस्ट हम इंट्रोडक्शन देंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, उसका मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी वो एक्चुअली इस चेंज को अपोज करता है, जो चेंज यहाँ पर आ रहा है फ्लक्स में, वो जो अपना इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड वहां पर प्रोड्यूस होता है वो इस चेंज को अपोज करता है, यानी इसको इस चेंज को रिड्यूस करना चाहता है। तो इसीलिए नेगेटिव साइंस जो है वो जस्ट हम उस अपोजिट सेंस की वजह से यहाँ पर पुट कर रहे हैं। लेंज लॉ पर हम मजीद डिटेल के साथ बात करेंगे। ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ फेराडेज लॉ कि किस तरह जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है मैथमेटिकली उसको हम किस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं।